सवाल बहुत ही प्यारा था। मैंने बताया था कि जब आप पहली बार इस सवाल को पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, आप कुछ करोगे होगा कुछ और। सवाल बहुत प्यारा था, आरआरबी जेई 23 मई 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। डेट भी लिख देता हूं, 23 मई को पूछा हुआ है यह। एक वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपए है, लाभ लागत का 20% है। हमारा कह रहा है कि जो लाभ है वो लागत का 20% है, जबकि पैकिंग व्यय बिक्री का 5% है। तो कह रहा है कुल बिक्री मूल्य ज्ञात करो कि कितना होगा। जैसे ही हम सवाल पढ़ते हैं, अगर कहीं पर भी हमें लाभ मिलता है और वो कैसे मिलता है, परसेंटेज में मिलता है, तो हमको तुरंत एक बात समझ में आती है कि मान लो भाई 100 रुपए हमारी लागत है, 100 रुपए हमारी क्या है, लागत। तो जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, और जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये चीज तुरंत दिमाग में चलती है, 120 रुपए हो जाएगा। ये तुरंत दिमाग में चलता है। बस जैसे ही मैंने ये लिखा वैसे ही सवाल गलत हो गया, इतना ही लिखने में सवाल गलत हो गया। सवाल ये कही नहीं रहा है, सवाल कहीं पे भी इस तरीके का जिक्र ही नहीं कर रहा है। सवाल अभी तक ये जिक्र कर रहा है कि जो लाभ है वो लागत मूल्य का 20% है। मतलब हमारे इसके बारे में तो बात कर रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ये कैसे मालूम चला, अगली लाइन में मालूम चला। कह रहा है जबकि पैकिंग व्यय बिक्री का 5% है। अगर गलती से मैंने इसको क्या मान लिया, विक्रय मूल्य मान लिया, तो इसका 5% हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, लागत हो जाएगा। और जैसे ही इसको यहां पर जोड़ देंगे तो हमारा कुल लागत कितना हो जाएगा, 106। अगर 106 रुपए हमारा कुल लागत है और 120 रुपए का हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, तो भाई लाभ हमारा 20 रुपए का तो रही नहीं गया, लाभ तो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो भाई ये वाली लाइन गलत हो गई, यहीं पे गलत हो गई। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने किया है वो गड़बड़ हो गया। मान लो किसी ने और दिमाग लगाया कि कह रहा है कि भाई हमें लाभ के बारे में दे रखा है, लाभ हमारा कितना है, 20% है। तो भाई कहता है कि सॉरी 20 रुपए है, ये हमने पहले लाभ निकाल लिया, यहां पर जोड़ दो 126 रुपए कर दो, अब ये हमारा कुल विक्री मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। अब बताओ अगर कुल विक्री मूल्य इतना हो गया तो भाई हमको इसका 5% लेना है कि इसका 5% लेना है, कंफ्यूजन खड़ा हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब इस सवाल को पढ़ रहे हैं तो गलत हो जा रहा था। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, पहले एक बार समझ लेते हैं इसको, फिर पूरे सवाल को आराम से डिस्कस कर लेंगे। भाई किसी ने आंसर दिया नहीं था तो मेरे को यह मालूम है कि सभी लोगों ने ट्राई तो किया होगा, लेकिन बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जिनको यह सवाल समझ में आया होगा। तो भाई एक बार अच्छे से समझ लो ताकि दोबारा कभी इस तरीके का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए जिसमें आपको सवाल फंसाने की कोशिश करे, तो आप फंसना नहीं, करोगे कैसे, बस आपको यह समझना है, ठीक है। इसमें दो अलग चीजें हैं, लागत और लाभ अलग चल रहा है, विक्रय मूल्य और पैकिंग खर्च अलग चल रहा है। तो मैंने दोनों को अलग कर दिया, पहले मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूं, फिर हम लोग इसको छोटे में करेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने मान लिया कि जो मेरा लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है, ठीक। तो मेरा लाभ कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। ये हमारी पहली लाइन यहां से यहां तक की खत्म, सॉरी यहां तक की खत्म हो गई। इसको बाद में देखते हैं, ये जो है ये तो एक्चुअल वैल्यू है, पहले परसेंटेज में देख लेते हैं, बाद में एक्चुअल वैल्यू से मैच कराएंगे। ये हमारी एक कहानी हो गई एक जगह पे। दूसरी जगह पे कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 5% है तो पैकिंग व्यय हमारा, सॉरी विक्रय मूल्य अगर मैं मान लेता हूं दूसरी कहानी में, अगर 100 रुपए हमारा विक्रय मूल्य है तो पैकिंग खर्च हमारा कितना है, 5 रुपए है। अब ये दोनों अलग अलग है तो मैंने बोला यहां पे एक्स लगा दो, यहां पे एक्स लगा दो, यहां पे वाई लगा दो, और यहां पे क्या लगा दो, वाई लगा दो। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं हमारा। अब जैसा जैसा सवाल कहता जा रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। भाई जो हमारी लागत है वो 100x है, ठीक, लागत हमारी कितनी है, 100x है, लेकिन ये जो 5y है ये भी तो लागत में जुड़ जाएगा। भाई जो पैकिंग का खर्चा है ये भी किसमें जुड़ जाएगा, लागत में जुड़ जाएगा। तो भाई मैंने इसको इसमें लागत में जोड़ दिया, 5y हो गया। और हमको लाभ भी तो चाहिए, सवाल में बोला है लाभ कितना है, लागत का 20% है, लाभ कितना है, इतना है, ये भी हमको चाहिए, तो मैंने इसको भी जोड़ दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, कुल विक्रय मूल्य हो गया।
अब कुल विक्रय मूल्य हमने कितना माना है भाई, इतना माना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100Y के बराबर हो जाएगा। अगर यहां से मैं देखूं तो भाई ये 120X हो गया और ये 95Y हो गया। अगर मैं X बटे वाई का मान निकालूं, क्या करूं, X बटे वाई का मान निकालूं, तो Y इधर जाएगा, ये हो जाएगा 95 बटे में 120। अब देखो मुझे क्या मालूम है, मुझे लागत मूल्य मालूम है भाई। यहां पर अगर मुझे देखो तो 100X और 100Y है, तो अगर मैंने यहां पे 100 का गुणा कर दिया और यहां पे 100 का गुणा कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हमें इसकी वैल्यू मालूम है और इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, इसी की तो वैल्यू दे रखी है, ये जो लागत मूल्य है इसी का तो मान 380 दे रखा है। तो मैंने कहा इसका मान दे रखा है, इसका मान निकालना है, इसका मान किसके बराबर है, 380 के बराबर है। तो बोलो इसका मान कितना हो जाएगा, 19 से काटा 5 बार 19 से काटा 2 बार, 5 से 1 बार और काट दिया, कितनी बार गया, 4 बार, मतलब किसका गुणा हो रहा है, 4 का गुणा हो रहा है, तो यहां पे भी 4 का गुणा कर दिया, कितना हो गया, 480, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो सभी को बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, नहीं हो पा रहा था मालूम है भाई, बढ़िया सवाल था ये। हमारा एकदम बेसिक तरीका है, ये हमारा कौन सा तरीका है, बेसिक तरीका, जब हमने एक्स वाई ये सारी चीजें ले ली तो समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब देखो इसको मैं एकदम छोटे तरीके से बताता हूं भाई, समझ तो गए लेकिन हमेशा एग्जाम में क्या है, इस तरीके का सवाल आएगा तो ऐसे ही करोगे। अब फास्ट कैसे करेंगे, हमको यह समझ लेना है कि लागत मूल्य अलग है, लाभ अलग है, विक्रय मूल्य और व्यय अलग है। हमको मालूम है कि जो हमारा लागत मूल्य कितना है, 380 है। मैंने क्या बोला, लागत मूल्य का 20% हमारा लाभ है, तो भाई पहले लाभ निकाल लेते हैं, ये हमारा क्या है, लागत 380 रुपए है, इसका 20%, 20% का मतलब हो गया 1/5, इसका 1/5 करेंगे तो 5 7 35, 5 6 30, हमको हर कीमत पर लाभ कितना चाहिए, 76 रुपए चाहिए। तो भैया 76 रुपए मैंने लाभ के तौर पे जोड़ दिया, इतना तो हमको चाहिए। यहां पे अब हमारे पास में एक चीज और बची है, क्या बचा है, पैकिंग का खर्चा, पैकिंग का खर्चा भी तो शामिल हो रहा है। जब हम पैकिंग का खर्चा मिला देंगे तो कुल हमारा क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है जो भाई पैकिंग का खर्चा है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 5% है, 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20। मैंने मान लिया जो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 20 यूनिट है, कितना है, 20 यूनिट है, तो पैकिंग का खर्चा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। मैंने बोला कि पैकिंग का खर्चा हमारा 1 यूनिट है, लगा दिया यहां पे लाभ, लेकिन अभी भी हमको 76 रुपए ही चाहिए। अच्छा एक बात को समझना, यहां पे ओवरऑल अगर परसेंटेज लाभ की बात करेंगे तो 20% नहीं आएगा, कम आएगा। हाँ लाभ की बात करेंगे तो 76 रुपए में लाभ चाहिए, परसेंटेज में लाभ नहीं चाहिए, इसका 20% 76 होगा, बस 76 रुपए हमको लाभ चाहिए, कितना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम कुल विक्रय की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा, बस यहीं से कहानी हमारी खत्म हो गई। अब ये यूनिट यूनिट हो गया, ये टोटल पैसा पैसा हो गया, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 456 रुपए इधर आ जाएगा, 1 यूनिट उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 यूनिट आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, अब देखो 19 से अगर मैं काटूंगा तो 19 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 19 2 38, 7 बचा, 19 4 76, 24 आ गया। 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर। हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 20 यूनिट, तो 24 का गुणा कर दिया, कितना आ गया, 480। लेकिन ये हम अगर हमारी समझ अच्छी है, हम लोग चीजों को समझ पाए हैं, सवाल को अच्छे से क्लियर हो गया है, फिर ये फटाक से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि एक बार आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाए, ऐसे सवाल एग्जाम में मैंने कल भी आपको बोला था जब फंसे तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, आखिरी में वापस में आके दिमाग में इसको मतलब इस पे भेजा लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है।